Assalamualaikum my YouTube family, welcome to my channel Learning Sustain। तो आज मैं आपके साथ स्टैट 301 का पेपर शेयर करने लगी हूँ। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इससे रिलेटेड मज़ीद वीडियोस और पेपर्स आप तक पहुँच सके। अभी मुझे स्टैट 301 का जो है एक पेपर ही मिला है जी, इसका एक पेपर ही मुझे मिला है। 30 क्वेश्चन जो है वो पास पेपर में से आए थे। अगर आपको फाइल चाहिए होगी तो जिन स्टूडेंट्स ने पहले सब्सक्राइब किया हुआ है वो ओके मैम लिख दें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो डन मैम लिख के पोस्ट करें ताकि मैं आपको फाइल का लिंक प्रोवाइड कर दूँ जहाँ से MCQs आ रहे हैं। 5 क्वेश्चन जो है यानी कि मिड का पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बताया जा रहा है पेपर में, इससे आपका आइडिया हो जाएगा कि आपका पेपर कैसा आएगा। तो 5 क्वेश्चन फ्रॉम मिड पोर्शन एंड 7 क्वेश्चन फ्रॉम फाइनल, ऑल्सो 2 क्वेश्चन 5 मार्क्स फ्रॉम मिड पोर्शन। ये एक स्टूडेंट है, उन्होंने अपना पेपर शेयर किया है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। डोंट स्किप माइंड पोर्शन, 40% पेपर मिड से भी आया, यानी कि ओवरऑल ईजी था। करंट पेपर है ये, मतलब 8 बजे का 14 मार्च का पेपर है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। MCQs mostly from standard derivation, mean, population and past paper में से कोई ख़ास नहीं आए। तो 30 MCQs जो थे ना, मतलब इन्होंने ऊपर बताया हुआ था कि 30 MCQs जो है वो past paper में से आए थे, तो आपने past paper भी ज़रूर रीड आउट करने हैं। अब सब्जेक्टिव की तरफ आएँ तो सब्जेक्टिव में देखें कि फाइंड मीडिया ऑफ गिवन फ्रीक्वेंसी डाटा, फाइंड इन्फिनिटी डाटा गिवन, स्टैंडर्ड डेरिवेशन टू टॉपिक्स टू क्वेश्चन, वेटेड एवरेज, एवरेज मार्क्स ऑफ गिवन स्टूडेंट डाटा, फाइंड प्रोबेबिलिटी और जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। आपने प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन, स्टैंडर्ड डेरिवेशन के क्वेश्चन, मीन निकालना आपको आना चाहिए। ये आपने क्वेश्चन जो हैं वो अपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं, ठीक है, ताकि स्टैट के ये जो टॉपिक्स हैं इससे MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन आपको आते हैं। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो में आपको मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगी चैप्टर वाइज, तो आपने उनको देख लेना है एक दफ़ा, ठीक है, उन तमाम टॉपिक्स को, ताकि आपका जो पेपर है वो क्लियर हो सके। आपने जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और अगर आपका पेपर हुआ है स्टैट का तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर मतलब उसको कॉपी पेस्ट करना है, शेयर करना है, ताकि तमाम स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके और तमाम स्टूडेंट्स का भी पेपर अच्छा हो सके, और दुआएं मिलती रहे आपको भी। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको वो जो है फाइल है वो प्रोवाइड कर दूंगी, जो अब मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ आते हैं हम। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का स्क्रीनशॉट मैंने आपको सेंड किया है कि लेक्चर नंबर 27 में क्या इम्पॉर्टेंट है। पेज नंबरिंग के जरिए जिसके फार्मूला देखने हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन प्लस सी फार्मूला ऑफ मीन, आपको मीन निकालना आना चाहिए, फार्मूलेशन ऑफ बायनोमिनल। तो हम मैंने पहले भी स्टैट के इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स बताए हुए हैं, अगर आपने अभी तक वो वीडियो चेक नहीं की तो आपको आई बटन में वो वीडियो दिख रही होगी, आपने ज़रूर उसको चेकआउट कर लेना है। मैंने आपको उसमें इम्पॉर्टेंट लेक्चर जो है वो बताए हुए हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स और टॉपिक्स हैं जो कि स्टूडेंट्स ने ग्रुप में शेयर किए हैं, ठीक है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इनको मैंने खुद भी रीड आउट किया है, ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से पेपर आता है। आपने प्रोबेबिलिटी, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि आपने प्रोबेबिलिटी, स्टैंडर्ड डेरिवेशन, मीन और ये चीज़ें आपको निकालनी आनी चाहिए, इनके फार्मूलाज आपने लिख लेनी है, ठीक है। ये मतलब आधा पेपर था, आधा पेपर ये है कि लेक्चर नंबर 32 इम्पॉर्टेंट है, पेज नंबर ये है, लेक्चर नंबर 34, ठीक है, 30 आपके जो है 15 लेक्चर है टोटल, 6 लेक्चर तो आपके इन्होंने कटवाए हुए हैं, लेकिन आपने मिड का पोर्शन भी, आपको इससे पता चला कि मिड का पोर्शन आपने लाजमी तौर पे अपना प्रिपेयर करके जाना है, ताकि जो मिड का पोर्शन है 40% पेपर उसमें से आ रहा है। स्टूडेंट्स कह रहे हैं अगर मुझे इसका कोई और पास पेपर मिला तो वो भी मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में आपके साथ शेयर लाजमी करूंगी। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल नहीं जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको MCQs की फाइल चाहिए तो डन मैम लिखें, और अगर जिन स्टूडेंट्स को ने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ स्टैट 301 के रिलेटेड तो वो ओके मैम लिख दें, ठीक है, तो उनको भी मैं फाइल इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूंगी तमाम स्टूडेंट्स को। अपनी दुआ में याद रखें, जज़ाकअल्लाह।